छत्तीसगढ़ के हीरानार में आजादी के 40 साल बाद भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिला था। ये देश और इलाके का दुर्भाग्य ही था। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात किताबों से ज्यादा जमीन पर जरूरी है। बुधरी ताती, एक ऐसा नाम जिसने समाज में बराबरी और आत्मनिर्भरता की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। आपने अपना जीवन बेसहारा बच्चों और कमजोर महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मुझे बहुत छोटे समय से ऐसा मन में आया। जब मैं यहाँ से नागपुर गई तो बड़े रूप में हजारों संख्या महिलाओं के बीच में जो काम हो रहा था, मैं उसको देखी। देखने के बाद मेरे मन में आया कि इस प्रकार से मेरे बस्तर में अनविज्ञ जो स्कूल नहीं जाता, ऐसे मेरे जैसे कई बहनें हैं, मैं उनके बीच में जाके, मैं आपा जाके मैं काम करूँ। हीरानार में माँ दंतेश्वरी कन्या छात्रावास है। बुधरीता थी इस संस्था की प्रमुख हैं। कई बेसहारा बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपने बारसूर में महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर अब तक करीब 550 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। 15 साल से 35 साल के बहने हैं। ऐसी बहनों को ला करके 3 महीना 6 महीना रख कर उनको पढ़ना लिखना सिखाए, साक्षरता में 8वीं 5वीं ऐसा दिलाए, उनको पास करवाए। तो इसमें से लगभग 250-300 बहने हैं साक्षरता हो गए। बुधरी ताती ने अपना घर नहीं बसाया लेकिन कई घरों के चिराग रोशन किए। उनके आश्रम में पले बड़े बच्चे आज अलग अलग शासकीय पद पर नौकरी कर रहे हैं। 11 बच्चों को हमने स्कूल में लाए, उनको पढ़ाना चालू किए हमारे बलबुद्धि पे बारसूर में। तब से उनको विश्वास आया कि बच्चे पढ़ने से अच्छा होगा। I am jumping, look at me, can you do? Yes, I do, can you do? बुधरी ताती आज इलाके में सिर्फ एक नाम नहीं, वो सोच हैं जो समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहती हैं। ऐसी बुधरी तांती से आज आप मिलिए और मेरे दर्शक जो घर बैठे देख रहे हैं वो भी मिलिए और बुधरी तांती को मैं प्रार्थना करूंगा, आइए प्लीज। आज की चेंज मेकर जिनको मैं कहूंगा बुधरी तांती जी, इनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। कुछ ऐसा एक कोई किस्सा बताएंगी जिसमें आपने किसी महिला की या किसी परिवार की मदद की हो, उसमें आपको कामयाबी मिली हो, वो कुछ कहानी बताइए। एक छोटा सा घटना है। तो एक दिन गंगालूर क्षेत्र से कई अंदर के गांव में हम चले गए, साव गांव करके। उस गांव में एक बहन को लेके गए और हमने वहाँ बैठे। बैठने के बाद चारों तरफ से कोई अस्या लेकर, कोई टंगिया लेके सब लोग आ गए, करीबन 10-20 लोग आए हमारे ऊपर हत्या करने के लिए। हमारे साथ वाले बहन बोलते हैं कि समाज सेवा करना बड़ा कठिन है, मेरे परिवार में भी लोग हैं, मुझे आपस जाना नहीं होगा, आज निश्चित है मेरा प्राण ही जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बार बार हमको पीछे से खिसकना शुरू किए। हमने भगवान ईश्वर के काम करने वाले लोग, उनके ऊपर कृपा, वो कृपा करेगी तो हमारा काम होता है। हम उनको धीरे से हाथ जोड़े, कोई चिंता नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगी, ये कुछ नहीं होगा, आप इसका चिंता मत कीजिए। पता फिर नहीं क्या हुआ, फिर वो लोग, भगवान की कृपा है, सही में 5-10 मिनट में वो सब लोग जो मारने आए थे आपको, हाँ,
वो भाग गए, चले गए? भाग नहीं गए, साथ में जो है आते और उतर सब नीचे रखे। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। तो देखा आपने, इन बहन ने क्या किया, 20 महिलाओं को बिठा के तैयार किया। जब किसी महिला के साथ बैठ के उनके उत्थान की बात कर रही थी, तो जो लोग नहीं चाहते इस इलाके में, चाहे वो नक्सलाइट के रूप में हो, या उन लोगों ने चाहा कि अगर ये लोग महिलाएं कामयाब हो गई, दूसरे लोगों को भी उत्साहित करेंगी, तो शायद हमारी जो हम जो करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो ना फैला सकें। इन्होंने फिर अपने भगवान को याद किया और वो ऐसी कृपा हुई कि वो लोग अस्त्र शस्त्र छोड़ के वहीं बैठ गए इनकी बात सुनने के लिए। ऐसी ऐसी मेरा कहना है कि ऐसा परिस्थिति अंदर अंदर गांव में, समाज के गांव में ऐसे लोग जो है अच्छे कार्य को बाधा डालने के लिए आज नहीं हजारों सालों से भी इस प्रकार से लगे हुए हैं, लेकिन जिस चीज़ को पाना है तो उसी चीज़ में उन्हीं के पास जो गुण है उसको पाना है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, ये बड़ा कहानी है एक प्रकार की। देखा आपने कि इन्होंने उनको ना ही प्रेरित किया, लेकिन अपने प्रेम से उनका विश्वास जीता, और ये 40 वर्ष से ये करती आ रही हैं।